गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली कक्षा में हम जो है लास्की के बारे में पढ़ रहे थे कि लास्की के अधिकार के बारे में हमने पढ़ा था कि लास्की जो है अपने विचारों में किस प्रकार से अधिकारों का पूरी तरह से समर्थन करता है और ये कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति के शुभ के लिए है और इस प्रकार से जो है राज्य को जो उसके अधिकारों का पूरी तरह से जो है उसका अधिकारों की सुरक्षा राज्य का दायित्व है और इसी प्रकार से वो ये मानता है कि राज्य जो है व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी राज्य को प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार लास्की के चिंतन में व्यक्ति के अधिकारों की जो है हमें पूरी तरह से व्याख्या स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वे अधिकारों का पुरजोर रूप से समर्थन करता है और यह कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। तो इस प्रकार लास्की जो है उसका यह मानना है कि राज्य को व्यक्ति के शुभ जीवन की व्यवस्था करनी चाहिए और यह है उसका परम कर्तव्य है। तो इस प्रकार लास्की का यह मानना है कि अधिकार, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अधिकारों का अस्तित्व राज्य के पूर्व है और लास्की ये मानता है कि राज्य जो है उससे पूर्व अधिकार बने हुए हैं, इसलिए राज्य अधिकारों का समर्थन करे या न करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकार जो है राज्य के पूर्वगामी है। तो अब हम पढ़ते हैं लास्की के अधिकार विषयक अवधारणा में आगे हम देखते हैं किस प्रकार से जो है लास्की अपने अधिकारों का पूर्णतः समर्थन करता है और लास्की यह बताता है कि जो अधिकार जो है उसने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में, तो देखिए लास्की ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में अधिकारों की व्याख्या व्यापक व विशद रूप से प्रस्तुत की है। देखिए लास्की ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में अधिकारों के बारे में बहुत ही जो है उल्लेख किया है और उसके अनुसार व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है अधिकार परम आवश्यक है। तो देखिए व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार अत्यंत आवश्यक है।
तो देखिए पिछली कक्षा में हमने अधिकार की अवधारणा के बारे में पढ़ रहे थे और ये बताया था आपको कि लास्की अधिकारों का जो है पूर्ण रूप से समर्थन करता है। और हमने पिछली कक्षा में यही बताया था आपको कि अधिकार जो है वो राज्य से भी जो है पूर्वगामी है और इस प्रकार राज्य से भी पहले से होने के कारण उनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रभाव जो है हम देखते हैं किस प्रकार से हमें समाज में दिखाई देता है। और अधिकार व्यक्ति के लिए परम जो है वांछनीय है और किस प्रकार लास्की ये मानता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। तो अपनी पुस्तक में उसने अधिकारों का बहुत ही विशद और व्यापक रूप से विवरण प्रस्तुत किया है और उसका यह मानना है कि अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार लास्की ने कुछ अधिकार भी बताए हैं जो हम उसके बारे में देखते हैं। लास्की द्वारा बताए गए कुछ प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं। तो देखिए लास्की द्वारा बताए गए कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है। लास्की द्वारा बताए गए कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है। तो देखिए कौन कौन से लास्की ने बताए हैं। भाषण देने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार, भाषण देने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार दूसरा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और संघ बनाने का अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और संघ बनाने का अधिकार। अगला है संपत्ति का अधिकार। अगला है पर्याप्त वेतन प्राप्त करने का अधिकार। और अगला है आजीविका कमाने का अधिकार, न्यायिक संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। अगला है
राजनीतिक शासन में, राजनीतिक शासन में भाग लेने का अधिकार, राजनीतिक शासन में भाग लेने का अधिकार। तो देखिए इस प्रकार लास्की ने जो है प्रमुख अधिकार बताए हैं, किस प्रकार से लास्की अधिकारों का जो है बहुत ही समर्थन करता है और प्रमुख अधिकार बताता है कि भाषण देने, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन संघ बनाने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, पर्याप्त वेतन प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार, न्यायिक संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, राजनीतिक शासन में भाग लेने का अधिकार। और भी इसने बताए हैं जिस प्रकार से काम की जो है काम के लिए घंटे या काम की दशाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका भी व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि काम में किस प्रकार घंटे निश्चित हों, इसका भी अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार इन प्रमुख अधिकारों का जो है लास्की ने अपनी पुस्तक में जो है विशद रूप से, व्यापक रूप से वर्णन किया और ये बताया कि अधिकार जो है व्यक्ति के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। तो इस प्रकार लास्की जो है अपने महत्वपूर्ण अधिकार में उसने माना है भाषण देने का अधिकार, अर्थात विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उस बारे में लास्की ने ये कहा है कि व्यक्ति को जो भी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिए उनमें सबसे महत्वपूर्ण विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सके, ये हमें जो है प्रत्येक शासन व्यवस्था में ये उसे अधिकार प्रमुख रूप से प्राप्त होना चाहिए कि अपने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण रूप से उसे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार देखिए लास्की के अधिकारों के बारे में हम यह कह सकते हैं कि लास्की जो है अधिकारों का पूर्ण रूप से समर्थन करता है और राज्य की उपयोगिता भी वो बताता है कि राज्य की उपयोगिता इसमें है कि वो अधिकारों का जो है व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करे, अर्थात व्यक्ति जो राज्य में रहते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा जो है उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी राज्य को प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार लास्की जो है अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य को जो है महत्वपूर्ण मानते हैं और ये कहते हैं कि राज्य जो है अधिकारों की सुरक्षा व्यक्ति को मुहैया राज्य द्वारा करानी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की ने जो है अधिकारों की सुरक्षा के लिए तीन शर्तें बताई हैं। तो देखिए लास्की के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए तीन शर्तें बताई हैं जो किस प्रकार हैं। तो देखिए लास्की ने अधिकारों की रक्षा के लिए लास्की ने अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न तीन शर्तें बताई हैं जो कि इस प्रकार है। लास्की ने अधिकारों की रक्षा के लिए तीन शर्तें बताई जो कि इस प्रकार है। पहली शर्त है, लास्की ये कहता है कि राज्य की सत्ता विकेंद्रित हो जिससे जनता राज्य की सत्ता विकेंद्रित हो
राज्य की सत्ता विकेंद्रित हो, जिससे जिससे व्यक्ति राज्य की सत्ता विकेंद्रित हो, जिससे व्यक्ति जो है राज्य के मामलों में अधिकाधिक रुचि लें, जिससे व्यक्ति या जनता राज्य के मामलों में अधिकाधिक रुचि लें, और सत्ता के स्थानीय केंद्रों पर पर्याप्त नियंत्रण रख सके दूसरी शर्त है कि केंद्रीय सरकार के साथ अधिकाधिक परामर्शवादी संस्थाएं संयुक्त हो, अधिकाधिक परामर्शदायी संस्थाएं संयुक्त हो, जिससे उसे प्रमुख समस्याओं पर विशेष परामर्श प्राप्त हो सके विशेष परामर्श प्राप्त हो सके। तथा प्रत्येक विभाग के साथ विशेषज्ञों का एक एक समूह अवश्य जुड़ा होना चाहिए अगला है राज्य अन्य समुदायों के आंतरिक जीवन में राज्य अन्य समुदायों के आंतरिक जीवन में
जब तक कोई हस्तक्षेप न करे जब कोई समुदाय राज्य को ही जीवन में उस समय तक कोई हस्तक्षेप न करे जब तक कि कोई समुदाय राज्य को ही नष्ट करने की धमकी ना दे। तो देखिए इस प्रकार से लास्की ने अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न शर्तें बताई है जो कि इस प्रकार है। पहली है, राज्य की सत्ता क्या हो, विकेंद्रित हो, अर्थात राज्य की शक्तियां केंद्रीकृत नहीं हो, विकेंद्रीकृत हो, और जिससे व्यक्ति या जनता राज्य के मामलों में अधिक से अधिक रुचि ले और सत्ता के स्थानीय केंद्र पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जा सके। तो देखिए सत्ता का विकेंद्रीकृत होना बहुत जरूरी है। अधिकारों की रक्षा के लिए सत्ता विकेंद्रीकृत होगी तो क्या होगा, विकेंद्रीकरण से स्थानीय स्तर पर भी जो है सत्ता विकेंद्रीकृत रूप में होगी, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होगा और जिससे जनता जो है अधिकारों का बहुत ही जो है स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर सकेगी। अगला है, केंद्रीय सरकार के साथ अधिकाधिक परामर्शदायी संस्थाएं संयुक्त होनी चाहिए। ऐसी संस्थाएं जो सरकार को परामर्श दें, और हम देखते हैं कि प्रमुख समस्याओं पर विशेषज्ञ द्वारा विशेष परामर्श जो है सरकार को प्राप्त हो सके, और प्रत्येक विभाग के साथ विशेषज्ञों का एक एक समूह अवश्य जड़ होना चाहिए, क्योंकि परामर्शदायी संस्थाएं जो होती हैं उसमें विशेषज्ञों का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, विशेषज्ञ जो होते हैं उस समस्या विशेष से संबंधित जो भी सुझाव होते हैं वो उन समस्याओं को सुझाने का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण तरीके से उनका समाधान प्रस्तुत करते हैं। इस कारण से जो है विषय विशेषज्ञों का होना बहुत जरूरी है प्रत्येक विभाग के साथ होना, क्योंकि ये परामर्शदायी संस्थाएं जो होती हैं ये विशेषज्ञों की सलाह पर ही क्या करती हैं, बड़ी से बड़ी प्रशासनिक समस्याओं का जो है समाधान इन विशेषज्ञों द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, अन्य समुदायों के आंतरिक जीवन में उस समय तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि कोई समुदाय राज्य को ही नष्ट करने की धमकी न दे। तो इस प्रकार से लास्की का यह मानना है कि राज्य जो है अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय है, क्योंकि लास्की का जो समुदायवादी दर्शन या जो उसका बहुलवादी दर्शन है उसमें हम ये देखते हैं कि लास्की राज्य को अन्य समुदायों की तरह ही समान समुदाय मानता है। वो कोई राज्य को ऑस्टिन हॉप्स वोंदा की तरह राज्य को कोई सर्वोच्च सत्ता से या संप्रभुता से संपन्न कोई संस्था नहीं मानता है। उसके मत में राज्य जो है वो उसी रूप में है जिस प्रकार से परिवार, चर्च या अन्य कोई संघ होते हैं, अन्य कोई संस्थाएं होती है। तो इस प्रकार से लास्की राज्य को अन्य समुदायों के समान एक समुदाय मानता है और ये कहता है कि राज्य जो है समुदायों के आंतरिक जीवन में कोई हस्तक्षेप न करे, और जब तक वो हस्तक्षेप उस समय तक न करे जब तक कि राज्य को ही जो है नष्ट करने की धमकी न दे, अर्थात राज्य के अंत का ही जो है वो किस प्रकार से कोई जो है वो समुदाय राज्य का ही कोई नष्ट कर दे, तो तब तक वो है समुदायों के किसी भी प्रकार से कोई आंतरिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लास्की के चिंतन में अधिकारों की प्रवंचना हमें बहुत प्रमुख रूप से दिखाई देती है, और इस प्रकार जो है लास्की अधिकारों के बारे में ये कहता है कि लास्की अपने अधिकार विषयक दर्शन में ये भी कहता है कि अधिकार विषयक दर्शना में अधिकारों और कर्तव्यों की पारस्परिक निर्भरता की बात भी करता है।
तो देखिए लास्की अपने दर्शन में देखिए लास्की के दर्शन में हम देखते हैं कि वो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की बात भी करता है। तो देखिए लास्की के दर्शन में हम यह देखते हैं कि लास्की अधिकार विषयक दर्शन में लास्की अपने अधिकार विषयक दर्शन में अन्योन्याश्रितता अन्योन्याश्रितता जिसे हम कहते हैं अन्योन्याश्रितता या पारस्परिक निर्भरता कर्तव्यों की अन्योन्याश्रितता पर महत्वपूर्ण रूप से बल देता है तो देखिए लास्ट की अधिकार विषयक दर्शन में अधिकार और कर्तव्यों की पारस्परिक निर्भरता की बात करता है और उसका यह कहना है कि यदि राज्य व्यक्ति को अधिकार प्रदान नहीं करता तो व्यक्ति से निष्ठा की मांग भी नहीं कर सकता। तो देखिए लास्की का यह कहना है लास्की का यह कहना है कि यदि राज्य व्यक्ति को अधिकार प्रदान नहीं करता तो वह व्यक्ति से किसी भी प्रकार की निष्ठा की मांग भी नहीं कर सकता। तो देखिए इस प्रकार से लास्की का यह मानना है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों की पारस्परिक निर्भरता की बात करता है। वो कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों परस्पर निर्भर है और यदि राज्य व्यक्ति को अधिकार प्रदान नहीं करता तो वह व्यक्ति से किसी प्रकार की निष्ठा की मांग भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है उसके लिए अधिकारों के साथ साथ वो है कर्तव्यों की बात भी करता है और उसका यह मानना है कि वो कहता है कि व्यक्ति की हैसियत से व्यक्ति जो कुछ प्राप्त होना चाहिए वह राज्य उसे तभी दे जब वह उस वफादारी की मांग करे। तो इस प्रकार वह व्यक्ति से कर्तव्य पालन की अपेक्षा करता है कि व्यक्ति को जो कुछ प्राप्त होना चाहिए राज्य उसे तभी दे जब वह कर्तव्यों का पालन करे।
तो इस प्रकार लास्की की चिंतन में अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि लास्की के चिंतन में अधिकार और कर्तव्य दोनों परस्पर पूरक हैं, उसका लास्की के शब्दों में जो कर्तव्य नहीं करता वह अधिकारों का उपभोग भी नहीं कर सकता, अधिकारों का उपभोग भी नहीं कर सकता। जैसे कोई काम नहीं करता तो उसे रोटी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, इस प्रकार लास्की ये मानता है जो कर्तव्य नहीं करता वह अधिकारों का उपभोग भी नहीं कर सकता, जैसे कोई काम नहीं करता तो उसे रोटी नहीं मिलनी चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों लास्की के चिंतन में हमें परस्पर पूरक दिखाई देते हैं। और लास्की यानी यदि कोई व्यक्ति जो है कर्तव्य नहीं करता तो अधिकारों का उपभोग भी वह नहीं कर सकता। इस प्रकार से लास्की के चिंतन में हम अधिकार और कर्तव्य दोनों की जो है पारस्परिक निर्भरता स्पष्ट रूप से देखते हैं।